जी, कॉन्सल्टेशन जो है वो आपने जब शुरू में बात की, कॉन्सल्टेशन के ऊपर हमारी जूरिस्प्रूडेंस बड़ी क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर जब कई दफा अपॉइंटमेंट्स करता है तो उसमें भी कॉन्सल्टेशन चाहिए होती है, सॉरी प्रेसिडेंट जब अपॉइंटमेंट्स करता है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कॉन्सल्टेशन पर चीज हमारी जूरिस्प्रूडेंस बड़ी क्लियर है कि जब आपने एक दफा कंसल्ट कर लिया है और उस शख्स की तरफ से लेट से कि कोई जवाब नहीं आता, वैसे बाय द वे यहाँ पर तो ऑलरेडी उनका अपना लेटर भी रिकॉर्ड पर मौजूद है जहां पर उन्होंने कहा बिल्कुल था कि इलेक्शन को इन इन डेट्स पे करें, लेकिन उसके बावजूद भी कॉन्सल्टेशन हो जाती है। बिकॉज इस तरह तो अगर एक इदारा आपसे बात नहीं कर रहा तो देन द कॉन्सल्टेशन विल नेवर बी एबल टू टेक प्लेस। यहाँ पर कॉन्सल्टेशन जो है वो ऑलरेडी हुई भी तस्लीम की जाएगी बिकॉज दोनों के आपस में खतूत एक्सचेंज हुए हैं। सेकेंडली, जो कॉन्सल्टेशन है इस कॉन्सल्टेशन का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगर कोई इबहाम है या कोई ऐसी बात है तो उससे आगाह करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू अ लेटर अपने वो जो भी उनके मामला थे, जिसको बड़ा जबरदस्त तरीके से अहमद अवैस साहब ने कहा कि दे हैव द ऑडेसिटी टू से नो टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और एक्चुअली दे नॉट इवन सेइंग नो, वो बस एक बीच की बात कर रहे हैं, और उससे पहले अपना लेटर ऑन रिकॉर्ड है, और कोर्ट में जाकर जस्टिस जवाद हसन की कोर्ट में इनके वकील साहब ने स्टेटमेंट दी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं जी, हमें तो प्रॉब्लम कोई नहीं इलेक्शंस के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन बुलाया वहां जाकर इन्होंने कहा कि हमारे लिए तो बाकी इदारे हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन हम तैयार हैं। सो कॉन्सल्टेशन एज पर द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपीयर्स टू हैव बीन डन हियर, नंबर वन। नंबर टू, उस कंसल्टेशन के बाद गवर्नर जो है 57 के तहत बिल्कुल ही हैज द राइट टू अनाउंस द डेट, और जनरल इलेक्शंस यहां पर चुके एक प्रोविंस के इलेक्शन है उनको जनरल इलेक्शन ही तस्लीम किया जाएगा उस प्रोविंस के अंदर, वो इलेक्शन जो हो रहा है दैट तो इज फिर जनरल कंसोल इलेक्शन। साहब गवर्नर का इख्तियार तो गया। नहीं, गवर्नर का इख्तियार है उस सिचुएशन में, अगर गवर्नर देखिए आर्टिकल 105 में दो सिचुएशंस है, एक सिचुएशन है कि गवर्नर खुद उसकी समरी पर साइन करता है और एक है कि वो समरी पर साइन नहीं करता। आइदर केस सबसे पहले कानून में गवर्नर ने कर रहे हैं, फिर ईसीपी, और थर्डली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये चीजें तो इवन अदालत के ऑर्डर में भी ये वाली बात एज इट ठीक इज है लिखी हुई है। अब अगर गवर्नर जो है उसकी इनएबिलिटी है या देर इज इन एक्शन ऑन हिज पार्ट कि वो नहीं अनाउंस करना चाहते, तो फिर ईसीपी, ईसीपी को तो डायरेक्शन है। अब ईसीपी जो है दे वर ट्राइंग टू प्ले ऑन ऑन बोथ साइड्स, और वो चीज अब एक्सपोज हो गई। सो फाइनली प्रेसिडेंट हु इज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे बड़ा एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, सॉरी द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड वफाक का सिंबल है जैसे अहमद अवैस साहब ने कहा, अगर वो शख्स इसकी अनाउंसमेंट करता है तो उससे ज्यादा बेहतर चीज क्या हो सकती है। लेकिन इस वक्त चूंकि सूट नहीं करती, और आप इस वक्त रवैया देखें ऑपोजिशन का, सॉरी पीडीएम का, उनके लीडरान का जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ जो ठीक ख्वाजा आसिफ साहब जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, उन्होंने इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट वो होता है जिससे तनख्वाह लेते रहे हैं आप जब वजीर थे तो जाके उससे ओथ लेते थे, आप उनसे ठीक तनख्वाह लेते रहे, आप उनसे साइन से उनकी बहुत सारी मरात लेते रहे, और आज आप उनको बुजुर्ग शख्स को बातें कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी बिलो द ठीक है। बेल्ट कर लेकिन रहे हैं आप लेकिन उसकी। अहमद अवैस साहब, क्या इलेक्शन कमीशन पाबंद है सदर के फैसले का और जो इजलास